Hello friends, welcome to Eduz. I am Dinkarnath Mishra and I am going to explain some previous questions of pronouns. यहाँ आपके सामने हम कुछ questions दिए हैं और ये सभी questions जो हैं वो previous questions हैं जो bank और SSC जैसे examinations में पूछे हुए हैं. तो आइए हम लोग देखें थोड़ा इसका explanation. प्रोनाउंस के बारे में हम लोग कुछ पहले जान लें. प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले में आता है, यानी नाउन का सब्स्टिट्यूट. नाउन का सब्स्टिट्यूट का मतलब नाउन जिस नंबर, पर्सन, जेंडर, केस का होगा, प्रोनाउन भी उसी नंबर, पर्सन, जेंडर, केस का होगा. तो आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर देयर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. तो हम यहां पर आने वाले इस सेंटेंस में आने वाले प्रोनाउन पर फोकस करेंगे. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर देयर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. यहां जो देयर आ रहा है वो दिल्ली के लिए आ रहा है. देयर जो आ रहा है वो दिल्ली के लिए. दिल्ली क्या है, वो सिंगुलर है और नॉन लिविंग थिंग है. सिंगुलर है और नॉन लिविंग थिंग है. और हम लोग जानते हैं नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर के लिए आने वाला प्रोनाउन ईट होता है. और यहां पर यह देखना है कि देयर जो है वो पजेसिव केस में है, पजेसिव एडजेक्टिव में है. तो हमको तो सिंगुलर चाहिए. दे का देयर होता है, दे प्लूरल प्रोनाउन है, दे का पजेसिव बन गया देयर. हमको तो चाहिए ईट का पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि दिल्ली सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ईट का क्या होगा यहां पर, ईट्स. कहने का मतलब यहां ईट्स जो है करेक्ट होगा देयर के प्लेस पर. दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, The director of the institute has given its consent to join the meeting. The director of the institute has given its consent. और यहां जो its आया है वो आ रहा है director के लिए. Director जो है वो singular है, singular है और plus masculine gender का है. Masculine gender का रहने के कारण यहां पर होना चाहिए his consent, क्योंकि its जो है ये सिंगुलर तो है लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है. और हमको चाहिए सिंगुलर लेकिन लिविंग थिंग, यानी खास करके पर्सन के लिए हम लोग ही डालते हैं. और यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इसलिए ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज. यानी हिज विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इट्स. इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज. तो यहां देखते हैं कि इट वॉज मी हु वॉज यहां लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इट हो और उसके बाद ऑग्लरी वर्ब हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होगा. तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन डिपेंड करता है आगे हु और हुम पर. यदि हु हो, हु को नॉमिनेटिव केस माना गया है और हुम को नॉमिनेटिव केस माना गया है, तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के लिए आएगा. तो यहां पर हु नॉमिनेटिव केस में है, इसीलिए हु जो है नॉमिनेटिव केस के लिए आएगा, इसलिए आई के प्लेस, मी के प्लेस पर जो है सो आई होगा. यदि सेंटेंस में यहां पर हुम रहता तो मी हमारा सही होता, क्योंकि हुम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के लिए आएगा और नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के लिए आएगा, इसलिए आई शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ मी. फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर. तो ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु यहां पर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, इसलिए कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो अपने एंटीसीडेंट के लिए आएगा. रूल है यदि एंटीसीडेंट के प्लेस पर नोबडी, समबडी, एनीबडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नन, समवन, नो वन, एनीवन या कोई पर्सन का नाम हो, फिर उसके बाद कोई पर्सन आ जाए, फिर कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, या पर्सन आ जाए या फिर एनिमल आ जाए, ऐसी स्थिति में हम लोग हु नहीं लगा के दैट लगाते हैं. और हु का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए होता है. सिंगल पर्सन के रूप में यदि कोई आ गया तो हम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हु लगा सकते हैं. लेकिन यदि एंटीसीडेंट के जगह पर यहां देख रहे हैं हम, नोबडी है, एवरीबडी है, एवरीथिंग है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वहां पर हु नहीं होकर के दैट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द प्यून टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, गो इन टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल. तो देखते हैं क्या, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द प्यून टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई, यहां होना चाहिए लेट द स्टूडेंट्स एंड मी. क्यों, क्योंकि यदि किसी सेंटेंस में लेट हो तो द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर लेट विल बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. यहां देख रहे हैं कि लेट के बाद दो चीजें आई है, एक स्टूडेंट्स आया है और एक आई आया है. स्टूडेंट्स पर्सन है, ये स्टूडेंट्स जो है
ये प्रोनाउन नहीं है, इसलिए कोई नाउन है, और नाउन यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, प्रोनाउन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो नॉमिनेटिव केस लेगा, यदि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो रूल है कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो लेट के बाद तो स्टूडेंट सर और आई दोनों आया है, यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों आया है, तो नाउन में तो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में चेंज होगा, इसलिए आई की जगह पर मी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय हु फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैज हर्ट ईट्स लेग। तो यहां पर ईट्स जो है सो हमारा रॉन्ग होगा। क्यों होगा रॉन्ग? क्योंकि ये ईट्स लेग जो है ईट्स फोकस कर रहा है बॉय के लिए, बॉय जो है सो अपना पैर जो है सो हर्ट कर लिया, तो यहां पर ईट्स आ रहा है बॉय के लिए। और हम जानते हैं कि बॉय जो है मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो मैस्कुलिन और सिंगुलर के लिए हम लोग डालते हैं ही, और यहां पर जो है सो लेग्स के पहले यहां पर आया हुआ है, यहां ईट्स जो है सो पजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म है, इसलिए यहां पर ईट्स के जगह पर होगा हीज, क्योंकि ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हीज। यदि यहां बॉयज लिखा हुआ रहता तो ये प्लूरल होता, अब प्लूरल और मैस्कुलिन के लिए हम लोग डालते हैं दे, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव है देयर, तो हम लोग यहां पर देयर लिखते, लेकिन सिंगुलर है इसलिए वहां पर हीज होगा। इस क्वेश्चन में हम आते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल हुम दे सेड स्टूड फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हु और हुम से रिलेटेड आते हैं, और स्टूडेंट्स ऑफन गेट कॉन्फ्यूज वैल यूजिंग हु एंड हुम, वे समझ नहीं पाते हैं कि हु क्या है हुम क्या है, हु कहाँ लगेगा हुम कहाँ लगेगा। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हु नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए हु जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, यानी जहाँ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हु आएगा, और हुम जो है सो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसलिए हुम वहाँ आएगा जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। और यदि आप सेंटेंस पढ़ करके आप समझ ले रहे हैं कि यदि वहां पर कि हु होगा कि हुम होगा, यानी सब्जेक्ट वहां आएगा कि ऑब्जेक्ट होगा, तब तो कोई बात नहीं। और यदि आप से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक टेक्निक है मेरे पास, एक ट्रिक है मेरे पास। क्या ट्रिक है? जितने भी सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट और वर्ब हैं उनको काउंट कर लीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करने के बाद यदि सब्जेक्ट वर्ब के बराबर हो, यानी सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर हो, तब वहां पर हुम होगा, और यदि सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर नहीं हो तो हु होगा। तो आइए हम देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या। द प्राइज वॉज गिवेन, वॉज गिवेन वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट प्राइज है, तो इसलिए हम एस वन, इसको हम वी वन लिखते हैं कि पहला वर्ब का पहला सब्जेक्ट हो गया। फिर यहां देखिए सेड यहां पर दूसरा वर्ब है और इसका सब्जेक्ट दे है, तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया। हाँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करना होगा। यदि सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर तो हूँ, और यदि सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर नहीं तो हु। आइए यहाँ देख रहे हैं, प्राइज वॉज गिवेन, वॉज गिवेन वर्ब आ गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट प्राइज हो गया, दोनों को भी वन एस वन करके लिख दिए समझने के लिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि सेड वर्ब आ गया है, उस वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गया। फिर देख रहे हैं कि एक और स्टूड यहाँ पर एक वर्ब है, स्टैंड स्टूड स्टूड, तो ये जो तीसरा वर्ब है तो वर्ब तो तीन ठो गया, सब्जेक्ट नहीं हमारे पास, तो वर्ब की संख्या जो है सब्जेक्ट की संख्या से बढ़ गई, यानी सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या दोनों बराबर नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पर क्या होगा हु होगा, इसलिए हुम के प्लेस पर क्या होगा हु। ऐसे भी समझिए, जब स्टूड वर्ब है तो वर्ब के लिए हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए इसलिए वहाँ पर क्या होगा हु, क्योंकि हु नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, हुम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। सेम केस है, यहाँ हु और हुम में कन्फ्यूजन है, और हु और हुम को हम लोग को ठीक करना है। तो देखते क्या है कि लिखा हुआ है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। अब यहाँ हु होगा या हुम होगा, फिर हम लोग उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, आस्क यहाँ वर्ब हो गया, एक वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया रिसेप्शनिस्ट, तो ये एस वन हो गया। हु और हुम डू आई वांट, वांट यहाँ वर्ब हो गया, ये दूसरा वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट आई है तो दूसरा सब्जेक्ट भी हो गया। आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, आगे कोई वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर, देख रहे हैं कि दो सब वर्ब और दो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या के बराबर है, इसलिए हमको सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए हुम,
हु नहीं होगा, तो हु के प्लेस पर क्या होगा? हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नंबर 9। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। तो यहां व्हाट के जगह पर जो है विच होगा, विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। क्यों विच होगा? क्योंकि व्हाट और विच वहां होता है, व्हाट का यूज वहां हम करते हैं जहां वस्तुओं की संख्या डिफिनिट नहीं हो, निश्चित नहीं हो, फिक्स्ड नहीं हो, काउंटेड नहीं हो, तो वहां पर हम लगाते हैं व्हाट। और जहां वस्तुओं की संख्या निश्चित हो, फिक्स्ड हो, काउंटेड हो, तब वहां पर लगाते हैं हम लोग विच। तो जिलों की संख्या यहां निश्चित होती है, जिलों की संख्या निश्चित है, अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? विच लगेगा। और जहां वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं, वहां पर क्या लगेगा? व्हाट लगेगा। नंबर 10। द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन रांची। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। द सेंटेंस इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि पटना की सड़कों की तुलना रांची से हो रही है, और जबकि पटना की सड़कों की तुलना रांची की सड़कों से होनी चाहिए। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों के बीच होती है, सेम स्ट्रक्चर के बीच होती है, समान चीजों के बीच होती है, इसलिए यह सेंटेंस जो है रॉन्ग है। द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन रांची नहीं होगा। तो क्या होगा? तो हमारे पास दो ऑप्शन है इसके, दो ऑप्शन है इसके। या तो हम लिखें द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ रांची, द रोड्स ऑफ रांची, और या तो हम लिख सकते हैं द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन दोज ऑफ रांची, दोज ऑफ रांची। ऐसा क्यों? सेंटेंस हमारा करेक्ट द रोड्स ऑफ रांची भी है और दोज ऑफ रांची भी है, लेकिन द रोड्स ऑफ रांची के कंपेयर में दोज ऑफ रांची जो है ये थोड़ा सा ओवर करेक्ट है। इसलिए ओवर करेक्ट है कि हम नाउन के जगह पर प्रोनाउन यदि हम डालते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि प्रोनाउन हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि नाउन का रिपीटेशन से बचे, इसलिए हम लोग रोड्स के जगह पर दोज लगाए। यदि यहां रोड रहता तो फिर यहां हम लोग दैट लगाते, यदि यहां रहता रोड तो सिंगुलर की तुलना सिंगुलर से और प्लूरल की तुलना प्लूरल से। यदि यहां रहता लिखा हुआ द रोड ऑफ पटना तब यहां होता इज वाइडर देन, तब यहां होता द रोड ऑफ रांची, और यहां या तो फिर यहां पर होता दैट ऑफ रांची। तो सिंगुलर के लिए प्रोनाउन दैट और प्लूरल के लिए प्रोनाउन दोज, क्योंकि दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। तो लिखा हुआ है वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू सक्सीड। तो यहां पर हिज का प्रयोग नहीं होगा, हिज नहीं होगा तो क्या होगा? तो हिज के जगह पर कहता है कि होना चाहिए वंस। वंस क्यों होगा? इसलिए कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, वन का मतलब कोई व्यक्ति, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो उसका पजेसिव केस जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो वंस होता है, ओनी अपोस्ट्रोफी एस। तो यहां हिज का प्रयोग जो है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही किया गया है, इसलिए यहां हिज नहीं होता। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता तब यहां हिज होता, यदि राम मोहन सोहन रहता तब यहां हिज होता, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वन है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा, इसलिए हिज के प्लेस पर वंस। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। यहां पर नीदर नहीं होगा, नीदर के जगह पर होगा नन। नन क्यों होगा? इसलिए कि नीदर जो है और नीदर और नन जो है दोनों निगेटिव प्रोनाउन है। नीदर जो है दो के लिए होता है, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच नीदर, और दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच की जब बात होती है तो वहां पर नन। तो यहां पर क्लियर किया हुआ है कि थ्री सन्स की बात हो रही है, और थ्री सन्स की बात का मतलब है कि हमको नन चाहिए, क्योंकि नन दो से अधिक के लिए आता है। दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु का जब प्रयोग हो तो हम नन डालेंगे, नीदर नहीं डालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप यदि लाइक करते हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हमको मेरा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपको नए से नए वीडियो दिखाते रहेंगे।